जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब कुछ बात करते हैं अलग अलग टाइप के स्किल्स और उनकी एप्लीकेशन की। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक से शुरू किया था, वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मशीन टूल्स में और कारपेंट्री में जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो ये तो सारी टेक्निकल स्किल्स की हम बात कर रहे थे जिसमें काफ़ी इंजीनियरिंग और काफ़ी ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बट वोकेशन के बेस पे ही आप अलग अलग टाइप की स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसमें मेडिसिन का भी इंक्लूजन होता है। आप हॉस्पिटल्स में काम कर पाएँ, आप होटल मैनेजमेंट में काम कर पाएँ, उसके लिए भी अलग अलग स्किल ट्रेनिंग होती है जिसमें अनस्किल्ड वर्कर आप बनकर जा सकते हैं और वहीं की कंपनी आपको ट्रेनिंग देकर आपके अंदर वो स्किल्स डाल सकती है जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट है, जिसके बेस पे आप अपना करियर आगे बना सकते हैं। तो वोकेशनल स्किल्स में खाना बनाना भी आता है, वोकेशनल स्किल्स में कपड़े सिलना भी आता है, वोकेशनल स्किल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को करनी पड़ती हैं ताकि इंडस्ट्री चल सके। तो ये सारी ट्रेनिंग कोर्सेज आप डायरेक्ट स्कूल के बाद भी कर सकते हैं और कॉलेज के बाद भी। स्कूल के बाद में बात करें तो 10वीं कक्षा के बाद ही आप डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं इंटर कॉलेजेस में, जहां पर ये वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं तो 12वीं के बाद आप आईटीआई कॉलेजेस और अलग अलग स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में जा सकते हैं जो सरकार चलाती है। कॉलेज के बाद या कॉलेज से पहले ही इनफैक्ट कई लोग ऐसे हैं जो डिप्लोमा से शुरू करके इंजीनियरिंग की डिग्री भी कंप्लीट करते हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने 10th 11th के बाद डिप्लोमा किया और उसके बाद वो सीधा इंजीनियरिंग करके निकले, वो सीधा शिफ्ट हो जाते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने करियर को बनाना चाहते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो, और प्लीज़ कमेंट करें और अपना फीडबैक प्रोवाइड करें हमें। थैंक यू सो मच।